पौने तीन साल का कार्यकाल राज्य सरकार को होने जा रहा है। ये सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने आज इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। आप देख लीजिए, महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है। पंचायत राज एक्ट जिस तरीके से इस सरकार ने लागू करने का काम किया है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। पूरे प्रदेश को प्राधिकरण के अंदर जकड़ने का काम इस सरकार ने किया है और वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर है। आज गैरसैंण के अंदर जिस तरीके से जो जमीनों की फरोख्त पर लगाम थी, उसको खोलने का काम इस सरकार ने किया है। बेरोजगार साथी सड़कों पर घूम रहे हैं और इसके साथ साथ आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है आज कांग्रेस ने जो है ये प्रदर्शन करने का काम किया है और सरकार को आगाह करने का काम किया है। अगर ये सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करेगी तो कांग्रेस सड़क पर उतर करके इस सरकार का मुखर विरोध करने का काम करेगी। ये सरकार जमीन माफिया, भू माफिया और शराब माफियाओं के हाथों में खेलने का काम कर रही है। सरकार का तीसरा वर्ष चल रहा है और तीन वर्ष बहुत होते हैं किसी सरकार के कामकाज को आंकने के। चारों तरफ जनता पीड़ित है। विकास प्राधिकरण पहाड़ में इन्होंने नियम बनाया कि 250 मीटर दूर पर निर्माण होगा। 250 मीटर कुल स्थान होता है। पहाड़ में हाय त्राही हाय कर रहे हैं। इसी का कारण है पहाड़ की सीट और हमारे यहाँ भावर की सीट दोनों नगर पालिका में भारी मार्जिन से ये हारे हैं और वो इनकी विफलता का आवाज़ दे रहा है, जबकि सभी इनके मंत्री वहीं डटे रहे, शाम भी बैठे रहे, सुबह भी बैठे रहे। नंबर दो, रोजगार के नाम पर नौजवान पीड़ित है। MBBA, MTech हो, BTech हो, MCA हो, BCA हो, कोई भी शिक्षा हो, उसके पास कहीं नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेयजल व्यवस्था है ही नहीं, पानी के पीने को तरस जाते हैं, घंटों घड़े लिए हुए लोगों को घूमते देख लो, पानी की भी कमी है, बिजली भी नहीं पूरी तरह की आपूर्ति है। सभी मोर्चों पर जो विकास के मोर्चे कहलाते हैं, काम के मोर्चे कहलाते हैं, उनमें ये सरकार विफल है। आप देखिए, लाइब्रेरी में किताब हो, इसको लेकर लड़के आंदोलन कर रहे हैं और इस पर वो कहते हैं आपकी सरकार ने क्या किया। अरे भाई, सरकार में तुम हो, तुम हल बताओ। हल ढूंढने की बजाय पूर्ववर्ती सरकार बोलते हैं, तो वही सरकारें जो विफल हो जाती हैं, जिनके पास कोई निदान नहीं होता, वही पूर्ववर्ती कहती हैं। अब इसलिए ये पूर्ववर्ती बनने की तैयारी में है। जनता आज ही जा चुकी है, जिसके उसने नमीने नगर पालिका चुनाव में दिखा दिए। आगे होने वाले नगर पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी यही रिजल्ट आएगा। अरे होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। पर हैं, मगर अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्षेत्रों में अपने पसंदीदा मुद्दों को लेकर भी काम करते रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है बिखराव है। कांग्रेस एक है, एक रहेगी, आगे भी एक होकर के लड़ेगी। और आज ये मोदी सरकार, त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है, कांग्रेस ने उसको ध्वनि दी है और ये ध्वनि, ये आवाज़ तब तक गूंजती रहेगी जब तक देहरादून और देहरादून के बाद दिल्ली में भी बदलाव नहीं आता है। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ हमारा आक्रोश है, कांग्रेसजनों का नहीं,
बल्कि देश के लोगों का आक्रोश है, आमजन का आक्रोश है। कांग्रेस उस आक्रोश को नेतृत्व प्रदान कर रही है।